मोहिनी सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है आपका कविता मेडिकल, आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोती ले रही। स्वास्थ्य विभाग ने किया आदर्श दंपति सा सम्मान समारोह का आयोजन। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कई लोगों को किया गया सम्मानित। कई दंपति भी हुए सम्मानित। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की कड़ी कार्रवाई। 10,000 किलो जावा महुआ व सैकड़ों लीटर शराब किया जब्त। मुखिया के नेतृत्व में पीडीएस संचालकों के खिलाफ निकाली गई चेतावनी रैली। पीडीएस संचालकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दी गई हिदायत। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में हुआ वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन। कई स्पर्धाओं में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। पुरस्कृत हुए विजेता छात्र। और कार्मल स्कूल सीनियर विंग में क्रिसमस सेलिब्रेशन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। प्रिंसिपल ने बच्चों को दी क्रिसमस की बधाई। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग ने नगर भवन में आदर्श दंपति सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया और परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कई प्रभारी और सहयोगियों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को नगर भवन में आदर्श दंपति सम्मेलन सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, DDC शशिभूषण मेहरा, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और DPRO रश्मि सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पुरुष नसबंदी और महिला बंध्याकरण के साथ ही परिवार नियोजन के प्रति ग्रामीण इलाकों में लोगों में जागरूकता लाकर लोगों से हम दो हमारे दो के संदेश के साथ नसबंदी और बंध्याकरण कराने में अहम भूमिका निभाने वाले कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और सहियाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए DDC शशिभूषण मेहरा सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी बढ़ती जनसंख्या के कारण कई परेशानियां भी समाज के हर वर्ग को उठानी पड़ रही है। कहा कि जनसंख्या को रोकना आज के दौर में सबसे अधिक जरूरी हो चुकी है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी और महंगाई सहित कई अन्य परेशानियां सामने आ रही है। अंतर्गत आज सम्मेलन बुलाया गया था गिरिडीह जिला के सिविल सर्जन परिवार का कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम बहुत जरूरी है। हमारे झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 है जो भारत के लेवल से यदि देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए विभिन्न तरह के जो परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ओरल पिल हो, इंजेक्शन हो,
या फिर यूरोपटॉमी हो, वैसेक्टॉमी हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, प्रसार हो और यह बताया जाए कि दो बच्चे पर्याप्त होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के बीच में समानता ही है। और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि लड़का लड़की के बीच में विभेद नहीं किया जाए, और इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा ही कल्याण है, हमारे समाज का कल्याण है, हमारे परिवार का कल्याण है, हमारे देश का कल्याण है, राज्य का कल्याण है, इसी में सबका कल्याण निहित है। इस तरह से यदि हम देखेंगे समाज, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और इसको हम प्रमोट करें, धार्मिक जो बातें आती हैं उनको समझाया जाए कि यह सबके हित में है और धर्म इस आड़े नहीं आता है। इस कार्यक्रम रखा गया है टाउन हॉल में, वो बहुत बहुत सराहनीय है, धन्यवाद का पात्र भी है। और मैं आशा और विश्वास रखती हूँ कि जिस तरह से आज जो शिविर लगा हुआ है लेडीज जेंट्स का रसबंदियों को लेकर के, तो बहुत बहुत सराहनीय है। और बहुत जब लगता हमारे गिरिडीह जिला में स्वच्छ जिला बनेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जाता है कि हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो एक हम भी संदेश देना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में भाग लें और इसको धरातल को उतारने को काम करें। आज आदर्श दंपति सम्मेलन में आने का मुझे पहली बार मौका मिला है। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब होता है कि हम समाज में एक उदाहरण पेश करें, हम समाज के लिए उदाहरण हैं। आदर्श शब्द का मतलब उदाहरण है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की और 10,000 किलो चावल महुआ व सैकड़ों लीटर शराब जब्त कर लिया। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर जावा महुआ को नष्ट किया है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस अभियान में जिले के अलग अलग स्थानों से करीब 10,000 किलो जावा महुआ व सैकड़ों लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है। इस दौरान कई स्थानों पर अवैध रूप से महुआ शराब के निर्माण को लेकर बनाई गई फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया है। इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गई है। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि बिरनी थाना क्षेत्र के तेतरिया सलैयाडी और जमुआ के बगमारा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्रियों को जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान शराब भट्टी संचालक फरार हो गए हैं, जबकि भारी मात्रा में शराब बनाने को लेकर तैयार जावा महुआ समेत तैयार शराब को नष्ट किया गया है। कहा कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्राप्त हुई थी कि इस जिला में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है उसका कुछ हम लोगों को सुराग मिल गया था, इन्फॉर्मेंट बढ़िया था, तो उसी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग बाघमारा गांव है जमुआ थाना अंतर्गत वहां छापेमारी किए। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में महुआ शराब का चुलाई का काम चल रहा था, उनका गोदाम छापामारी किए तो 10,000 केजी जावा महुआ और 400 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ वहाँ। उसके बाद हम लोग अब सब कार्रवाई करते हुए फिर आगे बढ़े तो बजरो में एक जगह है, बजरो में बनगाड़ी गांव में छापामारी किए, वहाँ भी एक महुआ शराब का अड्डा था उसको ध्वस्त किए। उसके बाद फिर हम लोग तेतरिया सलाइडी ही है धनवार थाना अंतर्गत वहाँ पर छापामारी किए, वहाँ भी महुआ शराब का एक अड्डा था उसको ध्वस्त किए। वहाँ करीब 2,000 केजी जावा महुआ का लगभग बरामद हुआ, 150 लीटर शराब बरामद हुआ। वह करते हुए हम लोग उधर से लौटने में जूठा एक महुआ शराब बेचने वाले को गिरफ्तार किए और कल्याणी पचम्बा तेलो बस्ती है वहाँ पर एक होटल से हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश का माल बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
जिसमें काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए और पीडीएस संचालकों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी। जिले के डुमरी प्रखंड के नागाबाद पंचायत की मुखिया रेणु देवी की अगुवाई में शुक्रवार को डीलरों के खिलाफ चेतावनी रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से पंचायत के सभी पीडीएस संचालकों द्वारा मनमाने ढंग से गरीबों के राशन को समय पर वितरण नहीं करने को लेकर मोर्चा खोला गया। रैली पंचायत के विभिन्न गांवों का दौर करते हुए डीलरों के प्रति आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग किया गया कि प्रत्येक महीने गरीबों को मिलने वाले दोबारा राशन समय पर देने और फिंगरप्रिंट का चालान रसीद देने, राशन वितरण के दौरान कटौती बंद करने, कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सभी का आधार जोड़कर राशन देने सहित अन्य मांगे शामिल थी। मौके पर पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने कहा कि नागापात पंचायत के सभी डीलरों द्वारा गरीबों के अनाज को समय पर नहीं दिया जाता है, साथ ही महीने में दो बार की जगह एक बार ही राशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं का डीलर द्वारा फिंगरप्रिंट लेकर राशन का वितरण नहीं किया जाता है, साथ ही कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि इस चेतावनी रैली के माध्यम से यदि डीलरों के कार्यों में कोई सुधार नहीं हुआ तो अग्र आंदोलन किया जाएगा। पोस्ट मशीन से प्राप्ति रसीद देना होगा, देना होगा, देना होगा। पोस्ट मशीन से प्राप्ति रसीद देना होगा, देना होगा, देना होगा। कार्डधारियों को ठकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर महीना में 25 से 30 तारीख तक राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंद करो, बंद करो। कार्डधारियों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैली में उप मुखिया महानंद वर्मा, वार्ड सदस्य बालेश्वर प्रसाद वर्मा, मनोज राय, उपेंद्र मंडल, चंदा मुन्नी देवी, इस्माइल अंसारी, जयप्रकाश वर्मा, शंकर कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बाद पंचायत डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड क्षेत्र, चाहे नागाबाद हो, चाहे खुदी सार हो, चाहे जितकुंडी हो, चाहे जरीडी हो, चाहे बड़की बैरगी हो, चाहे बहरा सियाड़ी हो, चाहे ससार को पंचायत हो, ये सातों पंचायत में ये राशन का आलम फैला हुआ है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण राशन दिया गया है वो महीना में दो राशन मिलना चाहिए, उसमें पब्लिक को एक ही राशन मिला है। इसको निरीक्षण करके इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो जो डीलर नहीं दिया उसको सस्पेंड करके दूसरे डीलर की बहाल किया जाए, ताकि उसके दिल और दिमाग में गुजरे और बसरे, और उस तरह से जब तक मेरा गाँव और पंचायत नहीं बढ़ेगा तब तक मेरा देश नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गाँव की आवाज जाएंगे ताकि मोदी साहब सुनेंगे और उसकी आवाज को जो दबाने का काम किया जा रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवाहर। आज हम अपना नागाबाद पंचायत में चेतावनी रैली निकाले हैं सभी डीलरों के प्रति। प्रत्येक महीना राशन देना होगा, जो पैसा का राशन है और जो फ्री में भी आता है वो राशन देना होगा। और फिंगरप्रिंट लगा के और राशन नहीं देता है वो देना होगा। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी हो रहा है क्या कि बहुत बार है ना, लेडीज जेंट्स सब घूमता है, डीलर के पास जाता है तो वो फिंगरप्रिंट भी ले लेता है और राशन नहीं देता है। कहिए कि बोल हाँ नुनू बोला देखिये हमारा 13 किलो राशन माता, हमारा तो दे 10 किलो। हाँ बेटा बोला कम से कम 12 किलो दे दे, 12 किलो ना देते 11 किलो दे। बोल बेटा यार बेटी यहाँ काला सा ना चल, तो बाप घर से तब उनकी बलकों में आवे गहूम चार तो नहीं, यहाँ बेटा बेटी की कर रहे यह बात काल का। और वह हमने सामने में दखल गया कि एक गोतीवा अगर ओकरे जाति में कि जो चार पुतो है ओकरा चारो पुतोहन के 20-20 किलो दखल गया दल का तुरते बोरबा में तुरंत करके करके घुसा लल के गोमा। तो वह कलिए हाँ नुनो तो वो सब के की के हम पहले लगे ले ठप्पा। प्रतिनिधि शशि भूषण, मैं इस चेतावनी रैली के माध्यम से सभी डीलरों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में जितने भी डीलर हैं, 7 डीलर हैं, 2-3 डीलर हैं ऐसे जो समय पर बांट देते हैं, लेकिन कुछ डीलर ऐसे हैं जो समय पर नहीं बांटते हैं और हमारे ये बुजुर्ग महिला लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे पिछले कुछ 2-4 दिन में हमको पता चला कि अरवाटांड का मेरी माता बहनें जो लगभग 4 किलोमीटर दूर जाती है राशन लेने के लिए, लेकिन उन लोग को चावल दे दिया लेकिन गेहूँ दिया ही नहीं, और उन लोग बोल दिया कि नहीं, वो डीलर बोल दिया कि नहीं नागाबाद में आपका मिलेगा। तो इस तरह से मेरा अरवाटन का बहुत सारा परेशानी हो जाती है। और मैं डीलरों से ये खास कहना चाहता हूँ कि आप ये मेरा चेतावनी रैली है, हम ये आपको इस बार हम छोड़ना चाहते हैं, और यदि आपके द्वारा नहीं सुधार किया गया तो हम समाहरणालय जाकर के सबसे पहले ये डीएसओ को
ये लेटर देंगे और हम अपने एमओ को भी चाहेंगे कि आप भी जो सो इस चेतावनी रैली के माध्यम से ये डीलरों को सुधारने का कोशिश की। लायंस क्लब ऑफ ग्रेडी टाउन के द्वारा बीएसएफ स्कूल में नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 350 छात्रों के आंखों की जांच की गई। इस दौरान सीनियर क्लास के बच्चों के ब्लड ग्रुप की भी जांच की गई। लायंस क्लब ऑफ ग्रेडी टाउन के द्वारा बरगंडा स्थित बीएसएम स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क नेत्र जांच एवं ब्लड ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 से भी अधिक बच्चों का नेत्र जांच नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के देखरेख में किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रभात कुमार ने बच्चों को उनकी आँखों के देखभाल व आँखों से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जिन बच्चों के आँखों में कोई समस्या है उन्हें इलाज से संबंधित उचित सलाह दी। इस दौरान सीनियर क्लास के 100 से अधिक बच्चों के ब्लड ग्रुप की जांच केयर लेबोरेटरी के सहयोग से की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्लब के अध्यक्ष अशोक बगेड़िया, सचिव संजय डंगेज, कोषाध्यक्ष अमित जलान के अलावे लाइन निर्मल सलापुरिया, विकास खेतान, संजय भुदोनिया, डॉक्टर रवि महर्षि, साहिल कुमार, अनिल अग्रवाल आदि मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभाकर घोष, शिक्षिका संगीता कुमारी, नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम लोगों के क्लब के द्वारा बाल शिक्षा मंदिर में स्कूल में 400 बच्चों का लगभग नेत्र का जांच एवं ब्लड ग्रुपिंग किया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ ग्रेडी टाउन के द्वारा हम लोगों ने एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन रखा है बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में, जिसमें गिरिडीह के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार जी अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में इस शिविर का आयोजन हो रहा है। आज करीब इस स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 400 बच्चों का आँख का माने जांच का हम लोगों ने रखा है यहाँ प्रोग्राम, और तत्पश्चात हम लोग आज इसके साथ साथ ब्लड ग्रुप का भी बच्चों का जांच का रखे हुए हैं प्रोग्राम, जो कि केयर लेबोरेटरी ग्रीडी के द्वारा स्वजन से होना है। ये हम लोगों के तरफ से माने लायंस क्लब ऑफ ग्रीडी टाउन के द्वारा एक सर्विस का कार्यक्रम रखा गया है। क्लब ऑफ ग्रीडी के द्वारा बाल शिक्षा मंत्री हमारे स्कूल में आई कैंप, आँख जांच शिविर और ब्लड जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे स्कूल के सभी बच्चों की आई आँख की जांच की जाएगी। और ये यहाँ के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर प्रभात कुमार के द्वारा किया जा रहा है। सरोजा गोल इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के बीच कई प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ओलंपिक्स खेल में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हरभजन सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। वहीं गिरिडीह के जाने माने व्यवसायी सह विद्यालय के सभापति अमरजीत सिंह सलूजा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। महोत्सव के दौरान कई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
शिवन्या, शानवी, क्वेशा, शानवी, सोनाक्षी, शाम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति श्री सलूजा ने कहा कि मनुष्य के जीवन में खेलकूद का अपना एक खास महत्व है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य को मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। वहीं विद्यालय के निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि खेलकूद आपसी भाईचारा व सामाजिक सौहार्द को बढ़ाता है। निर्देशक रमनप्रीत सलूजा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। कहा कि विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस विद्यालय के छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है। आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम रखा गया है। आशाएं हम लोगों ने इस प्रकार की थीम रखी है। मुझे बहुत खुशी है कि 2019 के बाद ये काफ़ी समय बाद हमें वापस मौका मिला है, हमारे बच्चों को मौका मिला है अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का। लास्ट पिछले 5 दिन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर बच्चे ने मोर और लेस मैक्सिमम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, रेसिंग से लेकर स्विमिंग से लेकर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, हर एक स्पोर्ट पे। आज सिर्फ उनके फाइनलिस्ट हम लोगों ने जो चूज़ किए थे, जो पिछले 5 दिनों में जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुए हैं, उनके जितने भी फाइनलिस्ट थे वो आज अपना फाइनल जो डिसीजन उसके लिए आएगा जो आज फाइनल जीतेंगे, फिर जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग करेंगे। हमारे सरोजा वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आशाएं का ये प्रोग्राम चल रहा है स्पोर्ट्स से। उनकी थीम है इस आशाएं 2022। ये हमारे सारे बच्चे ने पिछले 5 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, हिट्स हुआ है इनका। ये सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, बास्केटबॉल हो गया, सारे बच्चों ने खूब अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। और जो फाइनलिस्ट हुए हैं वो आज आशाएं की थीम के हिसाब से वो इनका प्रोग्राम हो रहा है। ये एक दिवसीय कार्यक्रम है या फिर और भी दिन चलेंगे? ये सिर्फ आज लास्ट का प्रोग्राम है, आज आशाएं आज प्रोग्राम हो रही है। संदेश हम यही देना चाहते हैं कि खूब मेहनत करें, हम आपके साथ हैं हमेशा के लिए, खूब मेहनत करें। 2 साल बाद एक तो कोरोना काल में इनका कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ प्रोग्राम नहीं कर पाए बच्चे हमारे, हमें बहुत उस चीज़ का अफसोस है। हमारा स्कूल में हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे हमारे फिर से वापस आए स्कूल में। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य गीता दास ने किया एवं संचालन चंद्रमलिका घोष चौधरी एवं सुसोनभो सरकार ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सुप्रिया घोष चौधरी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के क्रीड़ा शिक्षक मंजीत कुमार, धनंजय कुमार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। बिना तलाक दिए किसी और के साथ शादी कर रहे पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पति शुक्रवार को पपड़ाताड़ स्थित समाहरणालय परिसर में धरना पर बैठ गई। महिला ने पुलिस प्रशासन पर पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया। ताड़ाटाड़ थाना क्षेत्र के भंडारीडी के रहने वाले एक महिला अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को पपड़ाताड़ स्थित समाहरण न्यायालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गई। इस बाबत भुक्तभोगी महिला पिंकी कुमारी ने बताया कि उसके पति अभिषेक कुमार बिना तलाक दिए 6 माह पूर्व किसी अन्य लड़की के साथ विवाह कर रहे थे। इस मामले को लेकर कई बार उन्होंने महिला थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक इसके पति को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही पूछताछ किया गया, जिससे तंग आकर महिला ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आमरण अनशन पर बैठ गई। मौके पर आवेदन देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पति द्वारा इस मामले को थाना से वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। बताया कि महिला थाने में जब इसकी सूचना देने के लिए पहुंचती है तो उन्हें टाल मटोल कर भगा दिया जाता है। केस नंबर 41/22 है। मेरी केस आयु राजेश्वरी मैम है, थाना प्रभारी मनीता मैम। जाने के बाद हमको बोला जाता है आज काम हो जाएगा, कल अरेस्ट कर लेंगे, आज हो जाएगा, इस तरह बोल के हमको टाल मटोल कर रही है। अब हम बताइए कहाँ जाए, यहाँ पे आए हैं तो कुछ सर बोलते हैं यहाँ पर नहीं बैठना है, अब जाइए कहीं और जाके बैठना है। कहाँ जाए, कहीं से हमको न्याय नहीं मिलता, हमको न्याय चाहिए। मेरे हस्बैंड को जैसे ही देख कर थाना से वो वापस चले जाते हैं, उसका रेस्ट नहीं हो रहा। उनके मेरे ससुर जी हैं, उनका भी कुछ भी नहीं हो रहा। वो लोग आके अच्छे से बात करके थाना प्रभारी से मिलकर चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है? अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी,
अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहां करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। स्वीट्स एंड स्नैक्स अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ। साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारे न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम, मोबाइल नंबर 7979828313। तो हरी अप, द एडमिशन फॉर्म्स फॉर द सेशन 2023-24 आर अवेलेबल एट द बीएनएस डीएवी ऑफिस काउंटर फॉर क्लासेस नर्सरी टू स्टैंडर्ड 9 फ्रॉम 15th नवंबर 2022 9 एएम ऑनवर्ड्स अलोंग विद हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर द बॉयज। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था। सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया, जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया, जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्मल स्कूल के सीनियर विंग में शुक्रवार को क्रिसमस सेलिब्रेशन किया गया जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की और विद्यालय के प्रिंसिपल क्रेस सिल्डा ने क्रिसमस की बधाई दी। कार्मेल स्कूल सीनियर विंग में शुक्रवार को क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई कार्यक्रम की प्रस्तुति की जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार और मिसेज एनी कुमार उपस्थित थी। वहीं कार्यक्रम का संचालन श्रेया द्वारा किया गया। Jesus Christ, Jesus Christ, I'm for you.
Now, it's time for another Christmas carol with marvelous music to cherish your heart and soul. So, let me invite our another carol group to pour melody in your hearts. We were unable to celebrate the Christmas like this. So, the next art group, which is about
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल सिस्टर थ्रेसल्डा ने बच्चों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि मैरी क्रिसमस का संदेश खुशियों को बांटना है और खुशियां तभी मिलेंगी जब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। Be with our students and staff during our celebration. And a special thanks to Dr. Ani for your inspiring message for Christmas. And I take this opportunity to give my thanks to the students of Standard 8 and teachers of Standard 8 who were responsible for today's function. And hearty congratulations to all the participants. Students, you did your part well. And teachers, I'm also grateful to you for taking a lot of trouble to prepare the students. And a special thanks to Ms. Jipna and Mr. Snohini. They are not 8th standard teachers, but they did their part. They went out of their selves and helped these teachers and the students to get ready for today's program. Special thanks to Mr. Alok and Alex and Mr. Roni, who stayed back yesterday till 7:30 in the night to get these decorations done. I told them finally, please stop and go home. Till then they were here. Thank you, dear teachers, and all our other staff, helping staff. Mr. Anil was there and Ms. Suvarna. कार्यक्रम को सफल बनाने में एलेक्स सर, आलोक सर, मिस जिबना, मिस्टर रोनी का मुख्य योगदान था। वहीं कार्यक्रम में मैनेजर सिस्टर क्रिस्टी, सिस्टर सैलीन, सिस्टर दिव्या और सिस्टर आशा, सर निर्मल झा, दिवाकर मिश्रा, उर्मी दत्ता, मिस पूनम, मिस सीमा, सर वर्गिस, राकेश झुनझुनवाला, मिस जॉय, मिस नवमिता सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे। बीज वितरण में महुआ पैक संचालक द्वारा मनमाना रवैया अपनाए जाने से परेशान लोगों ने आक्रोश जताते हुए हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बीज संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन दिनों बेंगाबाद के महुआर फैक्स कभी गेहूं का बीज वितरण करने को लेकर, तो कभी चना वितरण करने को लेकर, तो कभी मसूर दाल वितरण करने को लेकर और कभी अपनी मनमानी तरीके से लोगों को परेशान करने को लेकर चर्चा में बनी हुई है। आज भी महुआर पैक्स में चना बीज व मसूर दाल वितरण में पैक्स संचालक के खिलाफ लाभुकों ने जमकर हंगामा किया और संचालक पर लापरवाही व मनमानी बरतने का आरोप लगाया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि पैक्स संचालक हमेशा मनमानी करते हैं और बीज वितरण करने में लापरवाही करते हैं। कहा कि बिना सूचना दिए ही कुछ गिने चुने लोगों को बीज दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इधर स्थानीय मुखिया महेंद्र चौधरी और आजसू नेता नारायण राणा ने फैक्स संचालक के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीणों के द्वारा फैक्स संचालक के खिलाफ लगातार सूचनाएं मिलती रहती है। लाभुकों को अनदेखा कर कुछ गिने चुने लोगों को, व्यक्ति विशेष को ही बीज का लाभ दिया जाता है, जिससे दूसरे लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई है। उन्होंने मामले में उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच पड़ताल कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार पिछला बार भी यहाँ पर पैक्स में जब गेहूँ का वितरण किया गया था, जब यहाँ पर हम विश्व साहब के जो सहकारिता पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई तो पता चला कि 60 कुंटल गेहूँ यहाँ पर आया है, जबकि यहाँ 30 कुंटल भी गेहूँ नहीं बचा। ये विश्व सहकारिता पदाधिकारी से मिली भगत से सारा ये संभव हो पा रहा है और आज भी इसकी सूचना न स्थानीय मुखिया को दिया है, न कोई जनप्रतिनिधि को दिया है और अपने मनमानी तरीके से ये लोग वितरण करता है। किसी को आधा केजी, किसी को एक केजी और चेहरा देख देकर किसी को 5 केजी तक वितरण कर देता है और किसी को एक घूट का भी नसीब नहीं होता है। तो ये बिल्कुल मनमानी तरीके से यहाँ लगातार पैक्स जो अध्यक्ष है, संचालक महोदय है, लगातार मनमानी करते आ रहा है। किसी को सूचना दिए बगैर सारा काम मतलब धरातल पर भीड़ जुटा लेता है, कागज पर काम की प्रक्रिया करके आगे निकल जाता है।
क्या मांग? आधार कार्ड जमा करो और सामान दे रहा है, एक किलो आधा किलो करके दे रहा है सामान, उसमें चना है और क्या है, अब किसी को दे रहा है किसी को नहीं दे रहा है, मार भीड़ भाड़ हो रहा है और बहुत देर से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है। हम 11 बजे से अभी तक हमको नहीं मिला। क्या कह रहा है इनका, क्या कहना है? बच्चे का तो दाई ऐसा कोई बात नहीं है, जो पहले आओ पहले ले जाओ का हिसाब है। यहाँ किसी का ये बात नहीं है कि हमारा हिस्सा की बात नहीं है। यहाँ है कि जो किसान पहले आया 1 किलो चने और 1 किलो मसूर दिया गया, अब देखे कि नहीं संख्या अधिक हो गया तो उसको हम लोग 1/2 किलो चना कर दिए, 1 किलो मसूर कर दिए। अभी भी जहाँ तक होगा हम लोग बांट देंगे, जब खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये मतलब प्रचार प्रसार मतलब नहीं किया गया है, लोग जानकारी नहीं मिल पाया है। प्रचार प्रसार की बात नहीं, तो ऑनलाइन की बात है, तो दुनिया जानता है, सबको मैसेज आ रहा है, सबके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, बड़ी बात है कि आप लोग नहीं आ रहे। प्रदेश दादी मरिक बुनकर विकास ट्रस्ट की एक बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में झारखंड सरकार के द्वारा तांती बुनकर समाज के आरक्षित श्रेणी को स्पष्ट नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। गिरिडीह जिला झारखंड प्रदेश ताती मरिक बुनकर विकास ट्रस्ट की एक बैठक जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद ताती की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विशेष रूप से मरिक जाति को झारखंड सरकार के गजट में आरक्षित श्रेणी में लाने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव बहादुर प्रसाद ताती, कोसा अध्यक्ष बनारसी मरिक, उपाध्यक्ष संदीप कुमार ताती, महामंत्री पिंटू कुमार ताती, सहमंत्री राजेश प्रसाद, मीडिया प्रभारी नीरज ताती सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष विजय प्रसाद ताती ने कहा कि आज तक झारखंड सरकार यह नहीं बता पाई है कि मरिक जाति सरकार के गजट में किस श्रेणी में आती है, जिसके कारण उनके ट्रस्ट को याचिका दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मैं झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट गिरिडीह की ओर से मरिक ताती समाज की तरफ से मैं विजय कुमार प्रसाद सभी साथियों और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से अपने ताती समाज के लोगों को जो वर्षों से समस्या चली आ रही है कि मरिक ताती एक ही जाति है, लेकिन झारखंड सरकार के गजट में मरिक क्या है ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं झारखंड सरकार से यह निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मरिक ताती समाज का समस्या है कि मरिक ताती आखिर में किस कोटी में आते हैं, ये हम लोगों को जानकारी दें, अन्यथा हम लोग पिछड़ी जाति में आते हैं या आदिवासी में आते हैं या सामान्य जाति में आते हैं, ये हम लोग स्पष्ट करें और किस जाति में आते हैं उसमें हम लोगों को सम्मिलित करें। ये झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट झारखंड सरकार से मांग करती है और ये निवेदन भी करती है कि हम लोगों को अपने जो जाति समाज का समस्या है उसको समाधान करने में पहल दिखावें। इसके लिए मैं झारखंड सरकार और गिरिडीह के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूंगा। धन्यवाद।